हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे एलीग के मैच के बारे में जो खेला जाएगा वेस्टर्न सिडनी और पर्थ ग्लोरी के बीच में होने वाले इस मैच के बारे में। तो इस वीडियो में इन दोनों टीम का हर एक प्लेयर्स के बारे में फुल डिटेल्स में हम बात करेंगे। बस आप वीडियो कंप्लीट देखना और ध्यान से देखना, ओके। तो अब हम नज़र डालते हैं सीधे इन दोनों टीम की पॉइंट टेबल पर। तो गाइस, वेस्टर्न सिडनी प्रीवियस सीजन इसी लीग में 10th पर फिनिश की थी, वहीं पर बात करें पर्थ ग्लोरी प्रीवियस सीजन इसी लीग में 12th पर फिनिश की थी। तो दोनों टीमें इस लीग की बॉटम टीमें हैं, तो आज दोनों टीमों के बीच में यह मैच है। तो गाइस, अब बात आती है कि इन दोनों टीम में से हम किस टीम को अपने ड्रीम इलेवन टीम के लिए एक फेवरेट टीम मान चले। तो गाइस, मैं फिलहाल के लिए वेस्टर्न सिडनी को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मैच इस टीम के होम ग्राउंड में, और ये टीम जब भी अपना होम ग्राउंड में पर्थ ग्लोरी के सामने मैच खेले, या तो मैच को विन किया है या मैच को ड्रॉ खेला, लेकिन इस टीम के सामने जल्दी से मैच को लॉस नहीं किया। तो इसीलिए मैं वेस्टर्न सिडनी को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूं। लेकिन गाइस, हम बात भी करेंगे जब ये दोनों टीम आपस में हेड टू हेड मैचेस खेलती हैं तो किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है इन दोनों टीम्स की ओर से। तो गाइस, इन दोनों टीम के बीच में लास्ट 6 हेड टू हेड मैच खेले गए, जिनमें से वेस्टर्न सिडनी 2 मैच विन कर चुकी है, 1 मैच ड्रॉ भी खेला और 3 मैच इस टीम के सामने लॉस भी किए हैं। अटैक से 1.2 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस से 1.7 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। कहने का मतलब, जब भी वेस्टर्न यूनाइटेड इस टीम के सामने मैच खेले तो प्रत्येक मैच में गोल स्कोर भी किया है और डिफेंस गोल कंसीड भी किया है, और दोनों टीमों की तरफ से रिजल्ट 50-50 देखने को मिलता है तीनों फॉर्मेट में। अब बात करें जो पिछला मैच इन दोनों टीम के बीच में खेला गया, उस मैच को इन दोनों टीम ने अटैकिंग ड्रॉ खेला। दोनों टीमों ने एक एक गोल स्कोर भी किया, लेकिन डिफेंस से गोल कंसीड किया। फिर वेस्टर्न यूनाइटेड ने, मतलब वेस्टर्न सिडनी ने इस टीम के सामने अपना होम में 1-0 से विन किया है, और आज भी इसी के होम में क्या इस तरह फिर से रिजल्ट देखने को मिलेगा, देखने वाली बात रहेगी। लेकिन उस मुकाबले पर्थ ग्लोरी ने अपना होम में इस टीम के सामने विन किया, फिर वेस्टर्न सिडनी ने अपना होम में इस टीम के सामने विन किया। तो अभी तक तो यही देखा गया, जो टीम अपना होम में मैच खेलती है या तो वो मैच को विन कर लेती है या ड्रॉ खेलती है, लेकिन लॉस नहीं करती। और उससे पिछले 2 मैच इन दोनों टीमों के बीच में और खेले गए और दोनों मैच पर्थ ग्लोरी ने विन किए हैं। तो परफॉर्मेंस हेड टू हेड अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो होम का एडवांटेज है इन दोनों टीम में। तो गाइस, अब बात आती है इन दोनों टीमों जो करंट फॉर्म, उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल टाइम जो परफॉर्मेंस है, हम एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। तो गाइस, वेस्टर्न यूनाइटेड, मतलब वेस्टर्न सिडनी करंटली 6 मैच खेल चुके हैं, जिनमें सिर्फ 1 मैच विन किया, 2 मैच ड्रॉ खेले, 3 मैच लॉस किए हैं। अटैक से 1.2, डिफेंस से 1.7। तो परफॉर्मेंस अगर इस टीम का रिसेंटली देखा जाए तो अटैक भी अच्छा, प्रत्येक मैच में गोल स्कोर भी कर देती है, और डिफेंस प्रत्येक मैच में 1 और कभी कभी तो अपने इस बेहतर टीम के सामने पर मैच में 2 या 3 गोल तक कंसीड कर देती है। तो परफॉर्मेंस अटैकिंग वाइज अच्छा है, डिफेंस डाउन है। बात करें जो पिछला मैच बैरिस वैन रोर के सामने ये टीम 3-1 से लॉस कर गई, और एक मैच इस टीम ने अटैकिंग ड्रॉ खेला और उससे मुकाबले 2-1 से लॉस किया। फिर इस टीम ने अटैकिंग मैच को ड्रॉ खेला और उससे मुकाबले 1-0 से लॉस किया, और उससे फिर मुकाबले टीम 3-2 से मैच को विन भी किया है। तो परफॉर्मेंस अगर इस टीम का रिसेंटली देखा जाए, प्रत्येक मैच में इस टीम ने गोल स्कोर भी किया है और डिफेंस प्रत्येक मैच में कहीं ना कहीं पर मैच में गोल कंसीड किया है। तो फिलहाल टाइम जो परफॉर्मेंस इस टीम का, वो मैच तो विन नहीं कर पाती, लेकिन या तो मैच को ड्रॉ खेलती लॉस करती है। अब बात आती है पर्थ ग्लोरी की जो करंट फॉर्म, उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल टाइम जो परफॉर्मेंस है, हम एक बार उस पर भी नज़र डालते हैं। तो गाइस, पर्थ ग्लोरी करंटली 6 मैच खेल चुके हैं, जिनमें से 2 मैच विन, 1 ड्रॉ, 3 लॉस। अटैक 1-3, डिफेंस 2, मतलब इस टीम का भी परफॉर्मेंस आपको सेम लेवल का देखने को मिलेगा। अटैकिंग वाइज ये टीम प्रत्येक मैच में गोल स्कोर कर देती है, लेकिन डिफेंस इस टीम का भी डिफेंस कंसीड कर देता है। बात करें जो पिछला मैच पर्थ ग्लोरी 4-0 से लॉस विन कर रही, और उससे मुकाबले पर्थ ग्लोरी ने न्यूकास्टल के सामने 3-1 से लॉस किया, और एक मैच मेलबर्न सिटी के सामने 2-0 से विन किया, और एक मैच अटैकिंग ड्रॉ खेला, और उससे पिछले 2 मैच इस टीम ने लॉस किए। दोनों मैच में 1 भी गोल स्कोर नहीं किया, बल्कि डिफेंस गोल कंसीड किया है। तो परफॉर्मेंस अगर इस टीम का रिसेंटली देखा जाए, डिफेंस तो काफ़ी डाउन है और अटैक एक एवरेज देखने को मिलता है। तो फाइनल गाइज, अब बात आती है कि अब इस मैच की स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या होनी चाहिए। तो गाइज, सबसे पहले हमने इन दोनों टीम की पॉइंट टेबल पर नज़र डाली, फिर हेड टू हेड मैचेस पर नज़र डाली, फिर हमने इन दोनों टीम के रीसेंट फॉर्म पर भी नज़र डाली। अगर हम इन तीनों फॉर्मेट को एक साथ कंपेयर कर लेंगे कौन सी टीम का बेहतर परफॉर्मेंस रहा इन तीनों फॉर्मेट में, तो गाइस पॉइंट टेबल के अकॉर्डिंग वेस्टर्न यूनाइटेड की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी बेहतर है एज कम्पेयर टू पर्थ ग्लोरी। और हेड टू हेड में देखा जाए, जो टीम अपना होम में मैच खेलती है वो अधिकतर मैच को विन कर लेती है या ड्रॉ खेलती है, लेकिन लॉस नहीं करती। तो आज होम है वेस्टर्न सिडनी का। और रीसेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग देखा जाए, दोनों टीमों की जो परफॉर्मेंस है अटैकिंग वाइज तो अच्छा है, दोनों टीम पर मैच में गोल स्कोर कर देती है, लेकिन डिफेंस भी कहीं ना कहीं गोल कंसीड कर
देता है। तो फाइनल गाइज अब बात आती है कि अब इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या होनी चाहिए। तो गाइज मुझे लगता है कि ये मैच बोथ टीम टू स्कोर जाएगा। मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज सिडनी इस मैच में 2 गोल स्कोर कर देगी और 1 गोल पर्थ ग्लोरी भी इस मैच में आराम से कर सकती है। तो इसलिए मैं अपना इस मैच की स्कोर लाइन प्रेडिक्शन रखता हूँ 2-1 और 2-1 का प्रेडिक्शन के अनुसार मैं अपनी ड्रीम 11 टीम क्रिएट करूँगा ड्रीम 11 पर। उससे पहले हम बात करेंगे इन दोनों टीम्स के प्लेयर्स के बारे में, कौन से प्लेयर ने कितने गोल और कितना असिस्ट किए। तो हम सब उस पर नज़र डालते हैं वेस्ट एंड सिडनी के प्लेयर्स के बारे में, फिर हम नज़र डालेंगे पर्थ ग्लोरी जो प्लेयर्स उनके बारे में, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो नज़र डालते हैं सिडनी के प्लेयर्स के बारे में। उससे पहले दोस्त अगर आप बिल्कुल नए हो और आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल लिंक टॉप के कॉमेंट और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो और आप फुटबॉल का हर मैच का रिजल्ट भी आप चेकआउट कर सकते हो। और दोस्त इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि नेक्स्ट जो भी अपडेट रहेंगी वो आपको मैं इस यूट्यूब चैनल पर देता रहूँगा। ओके तो चलिए बात करते हैं सीधे मुद्दे के, प्लेयरबाजी के, कौन से प्लेयर ने कितने गोल और कितना असिस्ट किए। तो नज़र डालते हैं वेस्ट एंड सिडनी के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइस प्रीवियस सीजन तो इस टीम तरफ हाईएस्ट गोल टेकर तोमिर हमीद है जिसने इस टीम के लिए 6 गोल किए और 2 गोल पेनल्टी में किया और ये आज भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। ओके पेनल्टी टेकर है। फिर यहाँ से जैक रोडवेल जो कि इस टीम की तरफ से 3 गोल किए थे। फिर यहाँ से डिमित्री पेट्राटोस जो कि 3 गोल किए थे और ये टीम ने पेनल्टी बहुत अर्न करती है। मैं आपके लिए बता दूँ जो इस टीम की तरफ से पेनल्टी वाले प्लेयर्स खेलेंगे तो इनको पिक करके जरूर चलना। स्टीवन उगारकोविक ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बिना गोल के डिफेंसिव पॉइंट देने वाले प्लेयर। ओके फिर यहाँ से रेमी नजराइन जो कि 2 गोल कर चुके, बाकी टेट्रेसेल 2 गोल, बाकी 1-2 गोल इन सभी प्लेयर्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लेकिन आज के मैच में जो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे अभी के लिए मैं आपके लिए टिक कर देता हूँ, तो इन प्लेयर्स को अपनी टीम में ट्राई करके चल देना। ओके तो अब बात आती है इस टीम तरफ से कौन से प्लेयर जिन्होंने इस टीम के लिए असिस्ट प्रोवाइड किए हैं, तो नज़र डालते हैं। तो गाइस असिस्ट के मामले अगर देखा जाए तो बाकश जिक्स ने 3 असिस्ट निकाले, दिमित्री 2 असिस्ट, टेट रसल 2 असिस्ट, जेम्स ट्रॉसी 2 असिस्ट, बाकी के रिकॉर्ड सामना आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके तो आज के मैच में इंपॉर्टेंट प्लेयर यही रहेंगे, इन्हीं प्लेयर्स को आप हम टीम में ट्राई करके चल देना। ओके तो अब बात आती है जो सेकंड टीम है उसके जो प्लेयर्स उनके बारे में, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए हैं, तो नज़र डालते हैं पर्थ ग्लोरी के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइस पर्थ ग्लोरी की तरफ से हाईएस्ट गोल टेकर ब्रूनो जो कि 8 गोल 2 गोल पेनल्टी में, कैलम टिमिंस जिसने 3 गोल निकाले और यहाँ से जोसेफ है जिसने 2 गोल किए, डेनियल स्टाइनेस है जो कि एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, प्रीवियस सीजन इसने सिर्फ 2 ही गोल किए लेकिन उससे पहले इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, एंटोनी बुर्क है जो कि 1 गोल कर चुका, बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं सभी का आप साउंड रिकॉर्ड आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लेकिन आज के मैच में जो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे इनमें से आपको ब्रूनो को ट्राई करना है, कैलम टिमिंस को पिक करना है, बाकी लाइनअप के बाद हम ट्राई करेंगे बाकी प्लेयर्स को क्योंकि लाइनअप बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ओके तो अब बात इस टीम तरफ कौन से प्लेयर जिन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किए, तो नजर डालते हैं असिस्ट वाले प्लेयर्स पर भी। तो गाइस असिस्ट में देखा जाए तो एंथोनी असिस्ट और गोल दोनों में कंट्रीब्यूट, जैक क्लिस भी जो कि डिफेंस पॉइंट काफ़ी अच्छा देता है, एड्रियन है जिसने 2 असिस्ट निकाले, ओसामा मलिक जिसने 1 असिस्ट, बाकी के रिकॉर्ड सामने स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लेकिन आज के मैच में जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रहेंगे मैं आपके लिए फिर से बता दूं, ये एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अब बात आती है इस मैच की स्कोर लाइन प्रेडिक्शन, मैंने रखी इस मैच में 2-1 और 2-1 के प्रेडिक्शन के अनुसार क्या रहनी चाहिए इस मैच जो हमारे शमोली टीम है ड्रीम 11 पर। तो सीधे नज़र डालते हैं इस मैच की ड्रीम 11 की टीम पर और अब इसी वीडियो को सेकंड बेस्ट पार्ट भी शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करें गोलकीपर सेक्शन से, तो मैं आपके लिए बता दूं इस मैच में एक फेवरेट टीम सिडनी वंडर्स है, तो इसीलिए मैं इस टीम के 7 प्लेयर पिक करूंगा और पर्थ गोलर की सिर्फ 4 ही प्लेयर पिक करूंगा। कुल मिलाकर हमें अपनी टीम में 11 प्लेयर पिक करना है, कैप्टन और वाइस कैप्टन के साथ। तो इस वीडियो में आपके लिए डिटेल्स बताऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके तो बात करें गोलकीपर सेक्शन, आई थिंक पर्थ गोलर की जो गोलकीपर आज के मैच में बराबर का टेस्ट हो सकता है, आप चाहे तो यहाँ से सिडनी वंडर्स का पिक कर सकते हो लेकिन मैं यहाँ से आपके लिए सजेस्ट करूंगा पर्थ ग्लोरी का। ओके बात करें डिफेंडर सेक्शन में, जैक क्लिस भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा जो कि असिस्ट पोटेंशियल हाई है और प्रीवियस सीजन इसने डिफेंसिव पॉइंट अच्छे देते हैं। फिर यहाँ से टेट रसल है, इनको भी ड्रॉप हम किसी भी कंडीशन में नहीं करेंगे। फिर यहाँ से फिल हो एक न्यू साइनिंग इस टीम के लिए, लेकिन इसको लाइनअप के बाद पोजिशन को देखते हुए ट्राई करेंगे। डेरी लक्ष्मण जो कि एक इंपॉर्टेंट प्लेयर, डिफेंसिव पॉइंट काफ़ी अच्छे देता है लेकिन तभी ट्राई करना तब आप पर्थ ग्लोरी को बैक कर रहे हो। ओके एंथोनी बुर्क जो कि गोल असिस्ट दोनों में इसका कंट्रीब्यूट है, तो इनको भी आप ट्राई कर सकते हो। बाकी यहाँ से जितना और प्लेयर्स, एडम ट्रोरी मुझे काफ़ी पसंद है, डिफेंसिव पॉइंट काफ़ी अच्छा निकालता है, वे कम से कम 20+25 पॉइंट दे जाता है आराम से। ओके फिर अगर क्लीन शीट मिल गई तो वो बात ही अलग है। फिर बाकी यहाँ पर जितना और भी प्लेयर्स हैं, आई थिंक मुझे यहाँ से मतलब कोटरम बीएस एक इंपॉर्टेंट प्लेयर लगता है जो कि डिफेंसिव पॉइंट दे जाता है लेकिन कभी कभी इसका भी परफॉर्मेंस एक एवरेज रहता है, लेकिन ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा। बाकी यहाँ से जय यंग में से टोंगिक, हाँ टोंगिक एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है तो इसलिए मैं टोंगिक को पिक करता हूँ
और यहाँ पर जो टॉप प्लेयर्स और एडम ट्रेवलर को पिक करते हैं और यहाँ स्टेट रसल को पिक करते हैं, जैक क्लिसबी को पिक करते हैं। अभी के लिए चार प्लेयर को पिक करते हैं, बाकी को मैं ड्रॉप करता हूँ। ओके, एंथोनी ब्रूक को लाइनअप के बाद बात करें यहाँ से डिफेंडर सेक्शन में, जो आई थिंक जो बेस्ट ऑप्शन है इस मैच में, वो काफ़ी नीचे दिखाई देगी मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे लगता है उसका नीचे ही निनकोविक भी अच्छा प्लेयर है, लेकिन तो दोस्त नीचे तो नहीं है। तो हम सबसे पहले रोमाल अमालफितानो को पिक करते हैं। रेमी नजराइन प्रीवियस सीजन इतना अच्छा परफॉर्मेंस तो नहीं था, लेकिन अभी के लिए पिक कर लेते हैं। और आमिन एक इंपॉर्टेंट रहेगा, इवानोविक अच्छा प्लेयर है, और यहाँ बोजानिक, ये दोनों डिफेंसिव पॉइंट देते हैं, मैं आपके लिए बता दूँ। और एक प्लेयर्स और से जिसका नाम है यहाँ पर आपको दिखाई देगा, निनकोविक, एक ये भी एक डिफेंसिव वर्क अच्छा खासा कर लेते हैं। लेकिन बाकी जो और प्लेयर्स हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट तब रहेंगे जब लाइनअप आएगी। लाइनअप के बाद पोजीशन को देखते हुए कि कौन सा प्लेयर 90 मिनट खेलेगा और कौन सा प्लेयर है जो बिना गोल के डिफेंसिव पॉइंट दे जाएगा, उसका गोल ट्राई करेंगे। ओके, बात करें सेंटर फॉरवर्ड, मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी ऑब्वियसली यहाँ से ब्रूनो रहेगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। डेविड विलियम्स एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, आई थिंक आपको पता होगा एटी के मोहन बगान के लिए खेला है इंडियन सुपर लीग में, और वहाँ पर इसका परफॉर्मेंस टॉप ऑफ बेस्ट रहा। ओके, तो आप मैं भी के लिए ब्रूनो को ट्राई करूंगा, लेकिन फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर देखो, एबिनी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, प्रीवियस सीजन काफ़ी अच्छा भी है परफॉर्मेंस के, तो और यंग एक न्यू साइनिंग और काफ़ी यंग प्लेयर है, और इसका मैंने आपके लिए पहले जब आई लीग कवर किया था उस टाइम पर मैंने लोचे बताया था कि जब मैं इसको पिक करता हूँ तब तक गोल मारता नहीं है, जब इसको नहीं पिक करता तब ये गोल कन्फर्म मारता और वन साइड लॉस करवा देता मेरा, तो इसका मेरा थोड़ा सा अनबन चल रहा है, तो प्लीज़ आप मेंशन करना, इसको मना नहीं लेना। ओके, बाकी यहाँ से सार्दिनेरो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित हो सकता है, बाकी यहाँ से मैं ज़्यादा किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा, अभी के लिए मैं पिक करने वाला हूँ यहाँ से एबिनी को। ओके, और यहाँ से डेविड विलियम्स को पिक करके चलते हैं। बात करें कैप्टनसी की, आई थिंक जो बेस्ट ऑप्शन सी आज कैप्टन के लिए है, टीम में कैप्टन अभी के लिए ब्रूनो बनाऊंगा, और वाइस कैप्टन से अगर बात की जाए तो मुझे रोमान अमालफितानो लगता है बेहतर ऑप्शन। ओके, तो मेरी टीम का प्रीवियस प्रकार है, याद रहे ये वीडियो के आधार पर टीम है, लेकिन जो फाइनल टीम रहेगी लाइनअप के बाद पोजीशन को देखते हुए कि कौन सा प्लेयर है जो 90 मिनट कंप्लीट भी खेलेगा, अगर गोल नहीं भी करेगा तो भी डिफेंसिव पॉइंट अच्छा खासा दे जाएगा, उसके अनुसार जो फाइनल टीम रहेगी वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल की लिंक टॉप के कमेंट और वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। और जो अदर ऑप्शन है जिनको कैप्टन आप वाइस कैप्टन बना सकते हो, यहां से विलियम्स एक नेक्स्ट ऑप्शन बेहतर है, और यहां से इबिनी भी एक न्यू साइनिंग, मतलब काफ़ी अच्छा प्लेयर है, प्रीवियस सीजन काफ़ी अच्छा खेला था, और अगर आपको डिफेंडर देना तो टेट रसल को ट्राई कर सकते हो, एडम ट्रोल जो उनके बिना गोल के डिफेंसिव पॉइंट काफ़ी अच्छे दे जाते हैं 20-25। ओके, तो उस कंडीशन में इनको ट्राई कर सकते हो, क्लिस भी जो कि असिस्ट पोटेंशियल और डिफेंसिव पॉइंट दे जाता है। तो ये आपके सामने कुछ गिने चुने ऑप्शन है, दोनों टीम बॉटम टीम है तो ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें, कहना का तात्पर्य यही है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। ओके, थैंक यू सो मच।